तो क्या गाइस, पानी को आप लोग इस तरीके से गर्म करते हो तो गाइस पानी को इस तरीके से गर्म करने का यहाँ पे दो नुकसान हो सकता है। तो गाइस पहला नुकसान ये है कि आपका जो बकेट है, आपका जो बाल्टी है, वो यहाँ पे मेल्ट हो सकता है, यानी कि गल सकता है। और गाइस यहाँ पे दूसरा नुकसान ये है कि गलती से अगर आपने पानी के अंदर हाथ डाल दिया तो गाइस जो वाटर हीटर रोड होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी से ये चलता है, एसी वोल्टेज से ये चलता है, तो गाइस आपको जो है करंट भी यहाँ पे लग सकता है। तो गाइस आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसा आइडिया या फिर ऐसा जुगाड़ बताने वाला हूँ जिससे आपका जो बाल्टी होगा यानी आपका जो बकेट होगा वो मेल्ट नहीं होगा और गाइस आपका पानी भी अच्छे से गर्म हो जाएगा। और गाइस यहाँ पे आप लोग इसका टेम्परेचर भी देख सकते हो, आपका पानी कितना गर्म हुआ है। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये सेफ्टी वाटर हीटर जुगाड़ बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक वाटर हीटर रोड ले लेने का है। और गाइस यहाँ पे देख सकते हो दो स्क्रू यहाँ पे लगे हुए हैं, ये दोनों स्क्रू को यहाँ पे खोल करके इसका जो थ्री पिन का प्लग है उसको हमें बाहर निकाल लेने का है। तो चलिए मैं फटाफट से इसको बाहर निकाल लेता हूँ। यहाँ पर मैंने थ्री पिन प्लग को अलग कर दिया है और गाइस यहाँ पे जो वाटर हीटर एलिमेंट जो होता है उसको मैंने ले लिया है। ये गाइस यहाँ पे पूरा कॉपर से बना हुआ है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद गाइस यहाँ पे मैंने एक पीवीसी पाइप का सीट ले लिया है। गाइस यहाँ पे मैं राउंड पीवीसी पाइप का सीट कट करूंगा जो कि गाइस यहाँ पे ये बाल्टी के साइज का होगा। तो इसको गाइस यहाँ पे रख करके मैं पेंसिल से मार्किंग करके अच्छी तरह से कटिंग करके फिनिशिंग दे देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से कटिंग करके फिनिशिंग दे दिया है, एकदम राउंड से में ये कटिंग हुआ है, कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हुआ है। उसके बाद गाइस यहाँ पे मैंने ये लाइन ड्रॉ किया हुआ है। गाइस इसको कितने सेंटीमीटर में मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है मैं आपको वो बता देता हूँ। यहाँ पे लगभग मैंने इसको 0.5 सेंटीमीटर में ड्रॉ किया है और गाइस यहाँ पे इसकी जो लंबाई है वो यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर की है। और इसी तरीके से मैंने यहाँ पे तीन लाइन और ड्रॉ की है, टोटल यहाँ पे हमारे पास चार लाइन हो जाते हैं। तो इसी टाइप से आपको भी ड्रॉ कर लेने का है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर का इस तरीके से पीवीसी पाइप का सीट कट कर लिया हूँ। गाइस आप लोग इसकी लंबाई कितनी भी रख सकते हो क्योंकि जो हमने लाइन ड्रॉ किया है वहीं पर इसको हमको मोड़ मोड़ के लगाने का है। तो चले गए देख लेते हैं मैं इसको किस तरीके से यहाँ पे लगाने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने चारों पीस को अच्छी तरह से लगा करके सेट कर दिया है और गाइस यहाँ पे इसको मैंने ढक्कन के टाइप में बनाया है जिससे बाल्टी के अंदर इसको लगा कर और बाहर भी निकाल सके। उसके बाद गाइस यहाँ पे मैंने ये एलिमेंट ले लिया है। अब इस एलिमेंट को हमें सेंटर में फिट करना होगा, तो चलिए देख लेते हैं मैं इसको किस तरीके से यहाँ पे फिट करने वाला हूँ। गाइस यहाँ पर मैंने वाटर हीटर एलिमेंट को पेपर टेप लगा करके अच्छी तरह से सुपर ग्लू से चिपका दिया है। बाद में इसको मैं एमसील से भी चिपका दूंगा। अभी गाइस यहाँ पे इसको जो बाकी के कनेक्शन है और जो बाकी के इसके पार्ट है उसको भी यहाँ पे लगा करके सेट कर लेते हैं। गाइस यहाँ पे इसका कनेक्शन जैसा था वैसा ही हमें करने का है, कोई भी यहाँ पे चेंजेस नहीं करने का है। तो चलिए गाइस यहाँ पे फटाफट से इसका कनेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब गाइस यहाँ पे इसको एमसील से मैं चिपकाने वाला हूँ, तो चलिए फटाफट से इसको एमसील से भी यहाँ पे चिपका लेते हैं।
यहाँ पर मैंने इसको एमसील लगा दिया है। अब गाइस यहाँ पे इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे जिससे गाइस यहाँ पे अच्छी तरह से चिपक जाएगा। तो गाइस यहाँ पे इसको मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया था, ये बहुत ही मस्त तरीके से सूख चुका है, बहुत ही टाइट हो गया है। उसके बाद गाइस यहाँ पे मैंने टेम्परेचर मीटर ले लिया जो कि आपको ऑनलाइन ईजिली मिल जाएगा। उसके बाद पीवीसी पाइप के सीट से मैंने कुछ फ्रेम यहाँ पे कटिंग किए हुए, इन सभी को चिपका करके इस टेम्परेचर मीटर को मैं यहाँ पे लगाऊंगा। तो चलिए ये सभी पीस को अच्छी तरह से यहाँ पे चिपका देते हैं। गाइस यहाँ पे मैंने टेम्परेचर मीटर का फ्रेम बना करके रेडी कर दिया। अब गाइस यहाँ पे इसको मैंने घिस करके फिनिशिंग भी दे दिया जिससे ये दिखने में भी बहुत मस्त ये लग रहा है। अब गाइस यहाँ पे जो टेम्परेचर मीटर है एक बार इसको इसके अंदर लगा कर देख लेते हैं इसके अंदर अच्छे से परफेक्ट बैठ रहा है या फिर नहीं। तो गाइस इसका जो स्लॉट है इसी के साइज का मैंने कट किया हुआ है, तो देख सकते हो गाइस कितनी मस्त तरीके से यहाँ पे बैठ चुका है। उसके बाद मैंने यहाँ पे पांच वाली पेन का रिफिल ले लिया है। अब गाइस यहाँ पे इसको आगे की साइड से हम कट कर देंगे। तो गाइस यहाँ पे अच्छी तरह से मैंने इसको कट लगा दिया है। अब गाइस यहाँ पे जो टेम्परेचर मीटर का वायर होता है इसको हमें इसके अंदर से बाहर निकालना होगा। तो अभी गाइस इसको बाहर इतना ही निकाल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर मीटर और ये पेन का रिफिल और ये जो फ्रेम है इसको एक साथ हमें फिट करना पड़ेगा। तो गाइस सभी को ये जो हमारा पीवीसी पाइप का सीट है इसके सामने यहाँ पे हीटिंग एलिमेंट का जो कैप है उसके सामने हमें फिट करना होगा। तो चलेगा अच्छी तरह से लगा करके मैं इसको फिट कर लेता हूँ। गाइस यहाँ पर मैंने टेम्परेचर मीटर को लगा करके अच्छी तरह से सेट कर दिया है। और गाइस यहाँ पे इसके जो वायर है उसके अंदर मैंने टेपिंग करके अच्छी तरह से ग्लू स्टिक से चिपका दिया है जिससे गाइस यहाँ पे वायर जो है वो फैलेगा नहीं। और गाइस यहाँ पे अंदर के साइड में मैंने इसके बैटरी नहीं लगाया इसलिए गाइस यहाँ पे अभी ये ऑन नहीं है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा क्योंकि गाइस यहाँ पे थोड़ा अंधेरा टाइप में दिख रहा है। अभी गाइस यहाँ पे बैटरी मैंने नहीं लगाया है। अब गाइस यहाँ पे इसका टेम्परेचर मीटर का जो वायर है यहाँ पे हमारा हीटिंग एलिमेंट के साइज का ही हो चुका है देख सकते हो। जब यहाँ पे आप लोग इसको लगाओगे तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से इसके साइज का यहाँ पे रहेगा। अब गाइस यहाँ पे मैंने 6 होल कर दिया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इसी टाइप से आपको 6 होल कर लेने का है। गाइस आप लोग यहाँ पे होल करना आपको पड़ेगा नहीं तो यहाँ पे पानी में आवाज टाइप में आएगा। मैंने पूरी टेस्टिंग कर ली है तो गाइस यहाँ पे काम नहीं कर रहा था टेम्परेचर मीटर, इसके अंदर एयर जाना जरूरी है इसलिए गाइस मैंने यहाँ पे 6 होल कर दिया है। तो गाइस 6 होल करने के बाद बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे काम करेगा। तो गाइस यहाँ पे बड़ी बाल्टी मैंने ली है, यहाँ पे छोटी बाल्टी का मैं बिल्कुल भी यूज नहीं करने का है। तो गाइस यहाँ पे मैंने बड़ी बाल्टी लिया और कम से कम मैंने यहाँ पे जो थोड़ा सा पानी छोड़ करके मैंने बहुत ज्यादा यहाँ पे पानी भरा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा पानी छोड़ करके मैंने बहुत ज्यादा यहाँ पे पानी भर लिया है, आप लोग अपने हिसाब से भर सकते हो। और गाइस यहाँ पे मैंने स्क्रू लगा दिया है क्योंकि जो हमने कैप बनाया था जो ढक्कन बनाया था वो किसी और बाल्टी के साइज का था, तो मैंने यहाँ पे स्क्रू लगा दिया है जिससे कि ये जो हमारा पीवीसी पाइप का गोल सीट है इसके अंदर इजीली लग जाए। तो देख सकते हो बहुत ही मस्त तरीके से यहाँ पे लग चुका है और गाइस यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से काम करने के लिए भी रेडी हो गया है। तो देख सकते हो मैं अभी यहाँ पे इसको अच्छी तरह से लगा लिया हूँ। अब गाइस यहाँ पे इसका जो टेम्परेचर है मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे परफेक्ट बैठ चुका है, कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम की बात नहीं है। यहाँ पे 31.1 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे अभी इसका टेम्परेचर है पानी का। अब गाइस यहाँ पे जो 3-पिन प्लग है गाइस यहाँ पे इसको मैं लगा देता हूँ और गाइस यहाँ पे स्विच को अभी ऑन करूंगा तो गाइस यहाँ पे इंडिकेटर भी ऑन हो जाएगा। तो चलिए गाइस यहाँ पे अच्छी तरह स्विच को ऑन कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने स्विच को ऑन कर दिया है तो चलिए गाइस देखते हैं यहाँ पे इंडिकेटर ऑन हुआ कि नहीं। तो देखिए इंडिकेटर जो है यहाँ पे ऑन हो चुका है और पानी जो है यहाँ पे गर्म होना भी शुरू हो चुका है। अभी गाइस यहाँ पे मेरे को अभी थोड़ा थोड़ा आवाज़ सुनाई दे रहा है, मैंने यहाँ पे जो आवाज़ है उसको म्यूट कर दिया है। तो गाइस यहाँ पे मैंने जो वीडियो की स्पीड है थोड़ी बढ़ा दी है इसलिए गाइस यहाँ पे आपको ऐसा दिख रहा है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो 31.45 ऐसे आप यहाँ पे मतलब 31.3 डिग्री सेल्सियस हो, अभी गाइस यहाँ पे 4 हो चुका है तो गाइस यहाँ पे 5 हो गया है। तो इस तरीके से इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ता रहेगा और पानी भी बहुत अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा। यकीन मानिए गाइस यहाँ पे 4 से 5 मिनट में आपका पानी बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्म हो जाता है और गाइस आपका बाल्टी भी इस तरीके से मेल्ट नहीं होगा। और इसकी खास बात ये है कि गाइस आपको शॉक भी नहीं लगेगा क्योंकि जो पीवीसी पाइप के सीट से ये पूरा ढका हुआ है तो आप गलती से भी हाथ इसके अंदर नहीं डाल सकते हो। तो गाइस यहाँ पे इसका 2 बेनिफिट आपको ये मिल गया। और गाइस यहाँ पे टेम्परेचर मीटर लगाने का फ़ायदा ये है कि आप कितनी भी पानी गर्म कर सकते हो अपने हिसाब से, आपको जितना पानी गर्म करना है आपको जितना इसका तापमान रखना है आप उतना यहाँ पे रख सकते हो। तो गाइस अभी मैंने यहाँ पे स्विच को बंद कर दिया है, पानी जो है बहुत गर्म हो गया है। यहाँ पे गाइस अभी 35.6 डिग्री आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा लेकिन जब मैं इसको जैसे ही उठाऊंगा और गाइस यहाँ पे टेम्परेचर
टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ते जाएगा, देख सकते हो 37 हो गया, आप गाइस यहाँ पे 40-41, क्यों गाइस यहाँ पे एयर जब इसको मिला ना तो गाइस यहाँ पे जो हीट है वो यहाँ पे टेम्परेचर मीटर में यहाँ पे वायर में लगा, तो गाइस यहाँ पे आपको दिख रहा है 42-43, इसलिए गाइस मैंने इसके अंदर होल किया है जिससे गाइस आपको यहाँ पे टेम्परेचर भी दिखे। तो गाइस यहाँ पे 42 डिग्री हो चुका है अभी, अभी धीरे धीरे गाइस इसका और टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ेगा, लगभग गाइस यहाँ पे 44-45 तक तो शायद जाएगा ही। ये बहुत ही मस्त तरीके से पानी यहाँ पे हीट होता है, इस तरीके से आप पानी को हीट कर सकते हो, और आपका जो बाल्टी है वो भी कुछ उसको भी कुछ नहीं होगा, आपको शॉक भी नहीं लगेगा, पूरी सेफ्टी के साथ गाइस यहाँ पे आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो और बहुत लंबे टाइम तक भी ये चलेगा। तो गाइस यहाँ पे 45 डिग्री तक पूरा पानी यहाँ पे अपना गर्म हो चुका है, 45.5 डिग्री तक, अगर इतना पानी बहुत ज़्यादा गर्म होता है, देख सकते हो एलिमेंट का हालत कितना ये लाल हो गया है। तो गाइस इस तरीके से आप लोग किसी भी पानी को अच्छी तरह से गर्म कर सकते हो। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जो बताना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।